Hey guys, कैसे हैं आप सब? होप अच्छे ही होंगे। मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे मैं दिल्ली से पहुंची गुवाहाटी एयरपोर्ट। अगर मिस कर दिया है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। गुवाहाटी पहुंचकर शाम को मैं निकल पड़ी यहां के फेमस कामाख्या देवी टेंपल को विजिट करने। तो चलिए करते हैं सफर की शुरुआत। दोस्तों, इस वक्त मैं रुकी हूँ व्यू पॉइंट पर, जहाँ से आप पूरे गुवाहाटी शहर का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। और ये जो हिल्स हैं, ये है नीलांचल हिल्स, और माँ कामाख्या का टेम्पल भी इन्हीं नीलांचल पर्वतों में स्थित है। तो लीजिए नज़ारा गुवाहाटी शहर का व्यू पॉइंट से। धर्म पुराणों के अनुसार पिता द्वारा किए जा रहे यज्ञ की अग्नि में कूदकर सती के आत्मदाह करने के बाद जब महादेव उनके शव को लेकर तांडव कर रहे थे, तब मां सती के प्रति भगवान शंकर का मोह भंग करने के लिए विष्णु भगवान ने अपने चक्र से माता सती के 51 भाग कर दिए। जिस जिस जगह पर माता सती के शरीर के अंग गिरे वह शक्तिपीठ कहलाए। कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती के योनि का भाग गिरा, जिससे कामाख्या महापीठ की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, इस मंदिर के कई रोचक तथ्य भी हैं, जैसे कि कामाख्या मंदिर सभी शक्ति पीठों में महापीठ है। यहाँ पर दुर्गा की कोई मूर्ति नहीं मिलेगी। कामाख्या मंदिर को समस्त निर्माण का केंद्र माना जाता है, क्योंकि समस्त रचना की उत्पत्ति महिला योनि को जीवन का प्रवेश द्वार मानकर ही की गई है। हर साल अंबुबाची मेले के दौरान यहां ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। पानी का ये लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। फिर 3 दिन बाद श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ जाती है। आज मैं आपको विजिट करवाने वाली हूँ गुवाहाटी में स्थित प्रसिद्ध माँ कामाख्या देवी का मंदिर, जो कि 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं मंदिर के लिए। इस जगह को तंत्र साधना के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया है, यानी यहाँ पर अघोरी और साधुओं का तांता लगा रहता है। ये जो आप ऊपर छत्र देख रहे हैं शिखर पर, ये यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन श्री मुकेश अंबानी जी ने यहाँ पर भेंट स्वरूप चढ़ाया था। Thank you.
अगर आप माँ कामाख्या के दर्शन करने आ रहे हैं तो कृपया समय पर ही आएं, क्योंकि आपको आराम से 2.5 से 3 घंटे का समय तो लगेगा ही। मैं यहाँ करीब 3 बजे आई थी और दर्शन करते करते मुझे यहाँ 6:30 बज गए हैं और आप देख सकते हैं कि अंधेरा हो गया है, तो कृपया टाइम पर ही आएं। ये कामाख्या मंदिर हिंदुओं के लिए एक पवित्र धार्मिक स्थल तो है ही, और इसकी तंत्र साधनाओं की वजह से भी एक अपनी ही मान्यता है। ये प्राचीन कामाख्या देवी मंदिर 8वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक बनता रहा, और इसको बनवाने की शुरुआत की थी मलेच्छ राजाओं ने, और फिर आते आते ये रीबिल्ड किया गया कोच किंग्स और अहोम डायनेस्टी के द्वारा। कामाख्या टेम्पल यहाँ एनुअली होने वाले अंबुबाची मेला के लिए भी फेमस है, जो कि 3 दिन तक चलता है। उस समय यहाँ अंदर मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और बाहर लोग लाखों की संख्या में मेला देखने आते हैं। कहा जाता है कि उन 3 दिनों के दौरान माँ कामाख्या अपने पीरियड्स में रहती है, इसलिए इसको टेम्पल ऑफ ब्लीडिंग गॉडेस भी कहा जाता है। ये टेम्पल नीलांचल शैली में बना हुआ एक प्राचीन मंदिर है, और इसके साथ साथ मान्यता ये भी है कि यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा।